बड़वानी जिले के राजपुर में सकल हिंदू समाज द्वारा सोमवार को 21 मीटर की पैदल चुनरी यात्रा निकाली गई। यात्रा राजपुर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई सेगाव लालबाई फूलबाई माता मंदिर के लिए रवाना हुई। इस दौरान जगह जगह पैदल चुनरी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जहां यात्रा संयोजक यशवंत कानपुरे ने बताया कि चुनरी यात्रा राजपुर से सेगाव पैदल पहुंचकर लालबाई फूलबाई माता को चुनरी चढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनरी यात्रा का राजपुर सलखेड़ा जुनवालिया सहित कई गांव में स्वागत कर सल्पोहार कराया गया। इस मौके पर यात्रा संयोजक यशवंत कानपुरे, अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय अग्रवाल, रणछोर पटेल, संतोष बघेल, नवीन गुप्ता, धर्मेंद्र गबली सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। आज माँ सात माता मित्र मंडल, सकल हिंदू समाज और बाबा बजरंगी के तत्वाधान में ये दूसरा वर्ष है सकल हिंदू समाज राजपुर के द्वारा विशाल चुनरी यात्रा माँ लालबाई फूलबाई माता सेगाव की ओर जा रही है। हम यह यात्रा का दूसरा वर्ष है। देश में शांति, प्रदेश में शांति, जिले में, नगर में शांति और खुशहाली रहे, ऐसी माताजी से कामना करते हैं कि हर वर्ष ये यात्रा निकले और सभी को माँ नव दुर्गा का आशीर्वाद मिलता रहे। आज सालखेड़ा ग्राम में ग्रामवासियों द्वारा माताजी की चुनरी यात्रा में जो सेवा की गई, मैं सकल हिंदू समाज संगठन और माँ सात माता मित्र मंडल की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय माता दी। जय माता जी। ग्राम सालखेड़ा में राजपुर के नगरवासियों सकल हिंदू समाज द्वारा लालबाई फूलबाई को चुनरी यात्रा लेकर जा रहे हैं। इस क्षेत्र में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, सद्भाव रहे, इस भाव को लेकर उन्होंने ये यात्रा निकाली पैदल जा रहे हैं। तो हमारे गांव वालों का दायित्व तो बनता है कि कुछ सेवा की जाए, तो पूरे हमारे गांव के द्वारा ये छाछ की व्यवस्था की गई है ताकि उनको सुख समृद्धि, उनको मन तृप्त हो और अच्छी माता जी से आराधना करें, इस क्षेत्र में अच्छी समृद्धि रहे। जय माता दी। जय माता।